हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने व्हाट्सएप पर ऑफलाइन मोड को कैसे ऑन कर सकते हो, मतलब आप व्हाट्सएप पर ऑफलाइन रहकर भी सबसे कैसे चैट कर सकते हो और सामने वाले बंदे को ये पता भी नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हो और आपका लास्ट सीन भी दिखाई नहीं देगा और उसे ये भी पता नहीं लगेगा कि आपने उसके मैसेज को रीड किया है या नहीं, उसे ब्लू टिक भी दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो है, मैं आपको सेटिंग बताऊंगा इसमें। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। इसमें सबसे पहले हमें व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है उसके अंदर चले जाना है। तो ये मेरी व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, मैं इस पर क्लिक करके उसके अंदर चला गया। और आपको ऑफलाइन मोड ऑन करने के लिए कुछ सेटिंग्स इसमें करनी पड़ती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर चैट स्टेटस और कॉल्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेटिंग वाले इस ऑप्शन में जाना है जो सबसे नीचे है। इनमें सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आपको अकाउंट वाला जो सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें प्राइवेसी सिक्योरिटी और चेंज नंबर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, प्राइवेसी सिक्योरिटी, 2-स्टेप वेरीफिकेशन, चेंज नंबर। हमें इसमें प्राइवेसी वाले सेक्शन में जाना है, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे लास्ट सीन, प्रोफाइल फ़ोटो, अबाउट, स्टेटस, रिसिप्ट्स। इसमें आपको लास्ट सीन पे सबसे पहले क्लिक करना है और इसको आपको नोबडी ही रखना है। अगर आपका माई कॉन्टैक्ट्स है तो इसको आपको नोबडी कर लेना है, ठीक है। इससे आपका लास्ट सीन किसी को दिखाई नहीं देगा और ये भी पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे रीड रिसिप्ट्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप देख सकते हैं इसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि अगर आप इसे ऑफ़ करेंगे तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज रीड कर लिया है। उसे ब्लू टिक दिखाई नहीं देगा, जो ब्लू टिक दिखाई देता है मैसेज भेजने पे वो दिखाई नहीं देगा, तो इसे आप यहाँ से ऑफ़ कर लेंगे। तो ये सेटिंग करने के बाद अगर आप किसी को मैसेज करेंगे तो उसे ब्लू टिक दिखाई नहीं देगा और आप ऑफलाइन मोड इस तरीके से आप व्हाट्सएप पर ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप पे ऑफलाइन रह के एक सेटिंग करके उस पर किसी से भी चैट कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हैं या नहीं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।